हेलो यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार्थ लकड़ावाला ब्लॉक एट डांस मुंबई। लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आज का न्यू ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है और ये ब्लॉग आप सभी लोग को पसंद आएगा। लेकिन एक मैं छोटी बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको सेक्टर 8 चारकोप कांदी वाली वेस्ट में जगह ले गया है तो यहाँ पे जो दलाल लोग रहते हैं यहाँ पे आपको जगह दिखाएंगे। जगह दिखाने के बाद में आपको सोसाइटी कैसी पसंद आती है, सोसाइटी पसंद आने के बाद में आपको यहाँ पे टोकन दिया जाता है। टोकन देने के बाद में आपका घर फाइनल होता है। आपको यहाँ का घर दिखाना चाहता हूँ तो चलो, यहाँ का घर बहुत ही खूबसूरत सा है तो चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अंदर की सोसाइटी है और ये बाहर की सोसाइटी है। बाहर की सोसाइटी में फ़र्क इतना है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। अगर आप भाड़ूत्री है तो भाड़ूत्री के हिसाब से रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही महंगा है। कुछ 13,000 भाड़ा कुछ ऐसा है, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर आपका खुद को यहाँ पे जगह लेना है तो ले सकते हैं, खुद का जगह भी बना सकते हैं यहाँ पे, 1+1 भी बना सकता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्यारा सा ये सोसाइटियाँ है। सोसाइटी के साथ साथ पे यहाँ पे मिक्स लोकैलिटी वाले लोग रहते हैं। मिक्स लोकैलिटी वाले के साथ साथ में यहाँ पे सब्जी वाला भी है, सब्जी खरीदने को भी आते हैं। और बार की साइड पे खाने का फूड स्टॉल भी है, बहुत सारा ऐसा सब कुछ है यहाँ पे। बाहर की दुकान में सब लोग खरीदी भी करने को आते हैं। अंदर की सोसाइटी में भी एक अंकल है, उसने भी यहाँ पे दुकान खोल के रखा है। ये देखिए आंटी एक छोटे बच्चे को लेके बैठी हुई है। ये आंटी को बचपन से मैं जानता हूँ। ये आंटी का नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा स्वभाव है आंटी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिनोवेशन का काम चालू है। रिनोवेशन के साथ साथ में यहाँ पे ये देखिए अंदर की सोसाइटी है। ये देखिए ये सामने जो घर है ये 1+1 बना हुआ है। ये सी का रूम है और ये डी का रूम है सभी सोसाइटियाँ। एक बात ये अच्छा है कि अगर आप यहाँ पे जगह लेते हैं, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फियर है यहाँ पे, हवा उजास भी बहुत ही अच्छा आता है। साथ साथ में यहाँ पे सभी एक्टर लोग भी रहते हैं। मैं आपको एक वीडियो में बोला भी हूँ, सब्जी वाले के सामने एक जो मैंने बिल्डिंग दिखाया था ओशियानिक टावर, ये ओशियानिक टावर के सामने सभी एक्टर लोग रहते हैं, सीरियल वाले लोग रहते हैं। लेकिन ये सोसाइटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है सोसाइटी, ये आप देख सकते हैं। अभी आपको लेके चलता हूँ एक दुकान में, तो चलो लेके चलता हूँ दुकान में। ये अंकल है और ये अंकल की दुकान है, आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी महीनों के बाद में ये सब माल सामान डालते हैं डेली। बहुत ही अंकल अच्छा मेहनत करते हैं। अंकल को 12 साल हो गए, बराबर ना अंकल? हाँ 12 साल हो गए। हाँ 12 साल हो गए। और इसका बेटा है दिनेश, इसके बेटे का नाम है। इसका बेटा भी बहुत ही अच्छा मेहनती है और आंटी भी है इसकी वाइफ, वो भी बहुत ही मेहनती है। मतलब 3 जन है, साथ साथ में इसकी एक छोटी बेटी है वो भी बहुत मेहनती है। घर को संभालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये अंकल ने खुद के पैर पे खड़े होके ये जो माल सामान भरते हैं, और भरने के बाद में यहाँ पे सोसाइटी वाले आते हैं और आने के बाद में ये सब आइटम लेके जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। पहल का आपको मैंने बताया कि बाजू में दुकान भी है,
और ये है भी भाई है, ये बहुत ही अच्छा मेहनत करते हैं, इस्त्री वाले भाई है। डेली डेली प्रेस गरम करना, कपड़े को इस्त्री मारना बहुत ही कठिन काम होता है। आप देख सकते हैं फटाफट कैसे इस्त्री का काम कर रहे हैं। आपको कितना साल हो गया भाई? 8 साल हो गए। ये भाई को 8 साल हो गए, तो भी सोचो दोस्तों कितना मेहनत कर रहे हैं। और सभी जगह पे ये भाई कपड़े पहुंचाते हैं, और फिर में इसके पास आते हैं, कपड़े देने जाते हैं, प्रेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना फटाफट प्रेस कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। आज मैं एक बात बोलने वाला हूँ, ये ओशियानिक टावर बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग के अंदर सभी एक्टर वाले लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले के वीडियो में भी बताता था, जब भी सब्जी का इंटरव्यू लिया था तभी मैंने आपको दिखाया था, अभी वापिस आपको दिखा रहा हूँ। ये है ओशियानिक टावर जो आप देख सकते हैं, ये जो उंगली दिख रही है ये ओशियानिक टावर है। यही ओशियानिक टावर में सभी एक्टर लोग रहते हैं। काफ़ी बहुत बड़ा बिल्डिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी के साथ साथ में आपने तो ये पहले भी देखा हुआ था कि सलमा आंटी का सब्जी का स्टॉल है, तो अभी फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन ये यहाँ पे भी सभी लोग सब्जी खरीदने को आते हैं। यहाँ पे भी एक सोसाइटी है, और दूसरा और एक आता है सोसाइटी अपना, ये भी सोसाइटी आती है, ये भी एक सोसाइटी आती है। आपको ये न्यू ब्लॉक कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे न्यू ब्लॉक पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए।